सो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जतिन ऑटो हेल्थ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं जिन दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाला दोस्तों, वो अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग कार है। जी हाँ, वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे उनकी आपस में टकराव होता रहता है, कौन सी फर्स्ट आएगी, कौन सी सेकंड आएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉम्पैक्ट सेडान की दो कारें, डिजायर, मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा की अमेज। तो चलिए इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम होंडा अमेज के बारे में बात करेंगे। होंडा अमेज दो इंजन ऑप्शन में आती है, एक पेट्रोल और एक डीजल। पहले पेट्रोल की बात करते हैं। 1199 सीसी का इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है, 89 bhp की पावर है और जो टॉर्क है वो 110 का है। इसकी जो माइलेज है कंपनी 18.6 की क्लेम करती है। दूसरा इंजन इसका डीजल का है दोस्तों, 1498 सीसी का इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है, 98 bhp की पावर और 200 का टॉर्क है। इसमें कंपनी 24.7 किलोमीटर की माइलेज क्लेम करती है। दोस्तों, यही इंजन WRV में भी आता है डीजल में, और यही इंजन होंडा सिटी में भी आता है डीजल में, और तीनों की तीनों कारों की सेम पावर है और तकरीबन माइलेज भी सेम ही है। एक बार इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। लेंथ है जो इसकी 3995 mm की, विड 1695 mm की, हाइट 1498 mm की, व्हील बेस 2470 mm का है और इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm की है। तो दोस्तों, आप डिजायर की बात करें, मारुति सुजुकी डिजायर इंजन एक आएगा, ये डीजल में नहीं आती, लेकिन आपको सेकंड ऑप्शन है वो CNG का मिल जाएगा। जी हाँ, तो पहले बात करेंगे पेट्रोल की। 1197 सीसी का इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है, ड्यूल जेट इंजन, 1.2 का ड्यूल जेट इंजन आता है जिसमें 89 bhp की पावर और 113 का टॉर्क है। इसकी जो माइलेज है कंपनी क्लेम करती है 23.2 kmpl की। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा पेट्रोल की माइलेज क्लेम करने वाली कार है। तो दोस्तों, अब CNG में बात करें इसकी। CNG में भी दोस्तों 1197 सीसी का इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है, 1.2 का ड्यूल जेट इंजन है, लेकिन यहाँ पावर है वो घट जाएगी। जी हाँ, 79 bhp की पावर और 98 का टॉर्क है। कंपनी इसकी माइलेज 31 किलोमीटर पर kg क्लेम करती है। डिजायर के डायमेंशन की बात करें दोस्तों, इसकी लेंथ 3995 mm की है, विड्थ इसकी 1735 mm की है, हाइट इसकी 15 mm की और व्हील बेस 2450 mm का है और इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 163 mm की है, जो कि होंडा अमेज से कम है। अब दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों का हम कंपैरिजन करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों के दोनों का जो पेट्रोल इंजन है वो सेम है, पावर भी सेम है, फोर सिलेंडर इंजन है, लेकिन डिजायर का जो इंजन है, मैंने दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी और जो मैं और रिव्यू भी डाल चुका हूँ, उसके मेरे अकॉर्डिंग डिजायर का इंजन ज़्यादा साइलेंट है अगर होंडा अमेज से कंपैरिजन करें। हालांकि फ़र्क सिर्फ 19-20 का ही है, लेकिन ये इंजन ज़्यादा साइलेंट है पेट्रोल में, और इसकी माइलेज भी है पेट्रोल में डिजायर की वो होंडा अमेज से काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, 18.6 किलोमीटर होंडा अमेज की है, लेकिन डिजायर की 23.2 के, तो यानी जो ये गैप है ये ज़्यादा है। अगर बात करें दोस्तों लुक की, तो दोस्तों लुक की में दोनों गाड़ियाँ बेहतरीन हैं, लेकिन यहाँ लुक में मेरे अकॉर्डिंग होंडा अमेज बाजी मार जाती है, क्योंकि इसका जो फ्रंट का लुक है यार, वो दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे होंडा सिटी आ रही हो। तो कुछ कई लोग इसको मिनी होंडा सिटी भी कहते हैं। इसके अलावा इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी दोनों गाड़ियों का बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा जो होंडा अमेज का है वो इंटीरियर में के मामले में वो इससे थोड़ी सा आगे निकल जाता है। बात अगर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ भी होंडा अमेज आगे निकल जाती है। कंफर्ट के मामले में मैं होंडा अमेज को आगे रखूँगा। देखिए, माइलेज के मामले में और इंजन साइलेंट के मामले में तो ऑब्वियसली बात है डिजायर आगे है, लेकिन कंफर्ट, लुक और जो चलाने में जो मज़ा आता है वो होंडा अमेज का है। हाँ, एक थोड़ा सा जो मुझे होंडा अमेज में लगता है वो इसका गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा टाइट है अगर कंपैरिजन करें मारुति डिजायर से, लेकिन जो ब्रेकिंग है इसकी होंडा अमेज की मारुति डिजायर से बेहतरीन है।
इसके अलावा दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट होंडा में इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है। 4 स्टार मिले हुए हैं दोस्तों क्रैश टेस्टिंग में, जबकि डिजायर को शायद नहीं 2 स्टार मिले हुए हैं। जी हाँ, डिजायर को 2 स्टार मिले हुए हैं और होंडा में इसको 4 स्टार। तो होंडा में यहां भी आगे है दोस्तों। एक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी गाड़ी का, तो बात करें होंडा में इसका स्पेस भी थोड़ा सा मुझे बेहतरीन लगा। लेग स्पेस में भी होंडा अमेज डिजायर से आगे निकलती है, और जो पीछे बूट स्पेस है उसका मैं आपको बताऊं, डिजायर का बूट स्पेस 378 लीटर का है, जबकि होंडा अमेज का बूट स्पेस 420 लीटर का है। तो यहां भी होंडा अमेज डिजायर से आगे निकल जाती है। तो दोस्तों अब मैं इसका इन दोनों गाड़ी का जो फाइनल कंपैरिजन बताऊं, रिजल्ट बताऊं कंपैरिजन का। अगर आप एक पेट्रोल की कार ले रहे हैं और आपको चाहिए एक अच्छी माइलेज और एक साइलेंट इंजन, लो मेंटेनेंस इंजन और साथ में एक अच्छी रीसेल, नो डाउट डिजायर की रीसेल काफी बेहतरीन है होंडा अमेज से, और साथ में आपको एक सीएनजी कार चाहिए कंपनी फिटेड के साथ, क्योंकि अभी भी BS6 कार में आप सीएनजी नहीं लगवा सकते, अभी भी कोई मतलब रूल नहीं आया है, अफवाह चल रही है लेकिन अभी फाइनल रूल नहीं आया है। तो आपको एक रनिंग ज्यादा तो आपको सीएनजी कार चाहिए, नो डाउट इसकी सीएनजी की अच्छी माइलेज है, पेट्रोल में अच्छी माइलेज है, तो आप डिजायर को ले लें आंख बंद करके, अगर आपकी जो प्रायोरिटी है ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी लुक वाली कार चाहिए, डिजायर का भी लुक अच्छा है लेकिन होंडा अमेज का इससे बेहतरीन है, साथ में आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छा स्पेस चाहिए, और साथ में अगर आप डीजल की कार लेना चाहते हो कंपैक्ट सेडान में, तो यहां पर भी होंडा अमेज बाजी मार लेती है, और क्योंकि डिजायर डीजल में नहीं आती, और जो इसका इंजन है डीजल का वो पावरफुल इंजन है, अपने सेगमेंट में का सबसे पावरफुल डीजल इंजन है, और माइलेज भी दोस्तों 24.7 KMPL की है, यानी माइलेज भी अच्छी है, बेस्ट इन सेगमेंट है डीजल में, और तो और इसका जो स्पेस है वो भी बेहतरीन है डिजायर से, चाहे वो लेग स्पेस हो चाहे वो फुट स्पेस हो। तो दोस्तों ये था मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा अमेज का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ यार मेरे इस वीडियो के थ्रू आपकी जितनी भी क्वेरी हैं वो दूर हो जाएं, दूर होगी होंगी, और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।